हेलो एवरीवन, सबसे पहले आप सबको K2 फैक्ट्स ज्ञान में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बायोलॉजी के मोस्ट रिपीटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसे हमने काफ़ी सर्च करके एक एक क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक अच्छे से देखना और हर क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से समझना। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने बायोलॉजी के ही प्रीवियस ईयर के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ही कवर किया है। अगर वो भी आप लोग नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिएगा, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस लेक्चर का भी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जा करके आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और एग्ज़ाम से पहले तक आप लोग उसे 2-3 बार रीड कर लेना और उसे अच्छे से समझ लेना। और इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप लोग से छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए फिलहाल अभी हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पूछा है। तो जो ग्लोबल वार्मिंग होता है इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द अर्थ्स टेम्परेचर। यह ग्रेजुअल इंक्रीज होता है किसमें? अर्थ्स टेम्परेचर में। और यह जनरली ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज बाई इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड अदर पोल्यूटेंट, जो आमतौर पर आपके जनरली होता है किसके कारण? जो इंक्रीज ऑफ लेवल कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड अदर पोल्यूटेंट के कारण। तो यह छोटा सा आंसर आप लोग अच्छे से समझ आ गया होगा, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हमने इसको फर्स्ट क्वेश्चन पे रखा है। तो इसे आप लोग अच्छे से समझ लेना, याद कर लेना। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। इसमें जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूछा है। तो वह होता है ड्यूरिंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 और मोर सेल्स। जो आपका पेरेंट सेल होता है वह डिवाइड होता है 2 और मोर सेल्स में। और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म शो डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ सेल्स डिवीजन। इसमें जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वह शो करता है डिफरेंट पैटर्न ऑफ सेल डिवीजन अकॉर्डिंग टू देयर सेल स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, एन अमीबा कैन डिवाइड इट सेल्फ इंटू 2 एट एनी प्लेन, बट द डिवीजन इन एवग्लिना इज लॉन्गिट्यूडनल। ये लॉन्गिट्यूडनल होता है। तो यह अच्छे से आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका राइट प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड के प्रॉपर्टी लिखना है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप लोग अच्छे से याद रखना। और इसका पॉइंट्स काफ़ी इजी है, याद हो सकते हैं। इसका पॉइंट्स है दे आर मोस्टली ट्रिपलेट कोडेड। ये ट्रिपलेट कोडेड होते हैं। दे आर कॉमालेस मीन्स इसके ये बिगनिंग या एंड नहीं होता है। दे कोड इज मोस्टली नॉन ओवरलैपिंग। इसके जो कोड है वह ओवरलैप नहीं करते हैं। दे आर ऑन एम्बिजियस एज वेल एज यूनिवर्सल इन नेचुरल। यह जो होते हैं आपके स्पष्ट होते हैं मीन्स यह क्लीन होते हैं, एज वेल एज आपके यूनिवर्सल इन नेचर होता है। दे हैव अ डीजेनरेट कोड। यह क्या होता है? डीजेनरेट कोड होता है। दे कंटेन स्टार्ट एंड स्टॉप कोडन। इसमें स्टार्ट एंड स्टॉप कोडन होते हैं। तो ये हो गया आपके प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड। तो इसे आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन आए तो आप लोग को पेपर में छोड़ना नहीं है, किसी तरह से आप लोग को लिख करके आना है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज बाइनरी फिजन। गिविंग सूटेबल एग्जाम्पल शो इट विथ द हेल्प ऑफ डायग्राम। यह बाइनरी फ्यूजन पूछा है। तो इस वर्ड से ही पता चल रहा है कि बाइनरी मीन्स इसके 2 पार्ट्स होंगे किसी चीज़ के। तो यही होता है बाइनरी फ्यूजन इज अ मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यह भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इन दिस मेथड द बॉडी ऑफ द एनिमल डिवाइड्स इनटू 2 हाफ्स। इसके जो बॉडी होते हैं वह डिवाइड हो जाते हैं 2 पार्ट्स में। द न्यूक्लियस ऑफ द बॉडी डिवाइड्स इनटू 2 एंड दिस इज फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ द होल बॉडी। तो इसके जो न्यूक्लियस भी होते हैं ना वो भी टू पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। टू ऑर्गेनिज्म गेट प्रोड्यूस्ड विद सेपरेट न्यूक्लियाई। ओके, एज फॉर एग्जांपल आपके होते हैं अमीबा जो कि रिप्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड। तो अमीबा इसके एग्जांपल्स हो गए। और अगर इसका सिर्फ डिफिनीसन पूछे बाइनरी का तो आप लोग यहाँ तक लिख लेना, और यहाँ पर डायग्राम भी पूछ रहा है तो डायग्राम आप लोग इस तरह से बना लेना। पहले एक अमीबा बना लेना, देन आप सेकंड में उसको थोड़ा सा उसमें उसके न्यूक्लियस को थोड़ा थोड़ा डिवीजन करते करते उसको एंड में आप लोग पूरा डिवीजन कर देना। इस तरह से आप लोग यहाँ पर जिस तरह से है फिगर उस तरह से आप लोग बना देना और आप लोगों के इस तरह से फुल मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे आप लोग एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा, पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके इसको अच्छे से देखते रहना। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज कम्युनिकेबल डिजीज, गिव एग्जाम्पल। तो यह अ कम्युनिकेबल डिजीज इज अ डिजीज दैट स्प्रेड्स फ्रॉम वन पर्सन और एनिमल टू एनदर। यह जो क्या होता है कम्युनिकेबल डिजीज है वह आपका स्प्रेड होता है वन पर्सन से एनदर पर्सन तक। तो पैथोजन सच एज वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई कॉज दिस डिजीज, इसके कॉज होते हैं ये सब वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप लोग HIV, एड्स, हेपाटाइटिस A, B एंड C, और मिसल्स, सल्मोनेला, ब्लड बॉर्न इलनेस ETC। तो ये आपके हो गए और कम्युनिकेबल डिजीज। तो इसे आप लोगों को आंसर तो काफ़ी इजी लैंग्वेज में है, आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मेंशन द एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें एडवांटेज पूछा है तो इसका जो होता है किसका, सेल्फ पॉलिनेशन का, हेल्प टू मेंटेन पैरेंटल कैरेक्टर्स और प्यूरिटी ऑफ द स्पीसीज। ये मेंटेन रखता है आपके पेरेंट कैरेक्टर को। और द प्लांट डज नॉट नीड टू डिपेंड ऑन द पोलिनेटिंग एजेंट, और यह इसके लिए जो है यह डिपेंड नहीं होता है किसी अनदर पोलिनेटिंग एजेंट पर। नो नीड ऑफ प्रोड्यूसिंग अ लार्ज नंबर ऑफ फॉलन ग्रेन्स, इसमें जो है आपके किसी लार्ज नंबर ऑफ फॉलन ग्रेन की नीड नहीं होती है इसमें। Flowers do not need to develop devices for attracting insect pollinators. इसमें जो होता है flowers do not need, इसमें भी need नहीं होता है to develop disease for किसके लिए, attracting insect pollinator के लिए। It ensures seed production. Rather it is used as fail-safe device for cross-pollinate फ्लावर, किसके लिए, क्रॉस पोलिनेट फ्लावर के लिए। तो यह हो गया आपके किसका, सेल्फ पोलिनेशन का एडवांटेज। तो इसे आप लोग अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट है आप 7 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टिश्यू कल्चर, इलिस्ट्रेट इट्स एनी टू एडवांटेज। तो इसमें टिश्यू कल्चर के बारे में पूछा है। तो टिश्यू कल्चर इज एन आर्टिफिशियल मेथड ऑफ कल्चरिंग प्लांट्स, यह जो है एक आर्टिफिशियल मेथड है किसके, कल्चरिंग प्लांट के। इन दिस मेथड अ स्मॉल पार्ट ऑफ प्लांट इज यूज्ड टू ग्रो सेल्स इन अ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इन द स्टेराइल कंडीशन ऑफ द लेबोरेटरी। टिश्यू कल्चर इज अ वेरी फास्ट टेक्निक, यह काफ़ी फास्ट टेक्निक है। इसके 2 एडवांटेज है जो फ्लोइंग है। द न्यू प्लांटलेट्स कैन बी ग्रोन इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, या शॉर्ट टाइम में आपके जो है ग्रो कर सकते हैं। द न्यू प्लांटलेट्स एंड प्लांट्स आर मोर लाइकली टू बी फ्री ऑफ वायरस एंड डिजीज, या फ्री होते हैं किससे, वायरस डिजीज से। इसलिए यह हो गए आपके कितने 2 एडवांटेज ऑफ टिश्यू कल्चर। तो आई होप कि आपको ये अच्छे समझ आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर आपका क्वेश्चन है डिस्क्राइब द टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसमें टाइप्स पूछा है तो इसका यह इसके 3 टाइप्स होते हैं। 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है आपका जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, सेकंड है आपका स्पेसिस बायोडाइवर्सिटी और थर्ड होता है इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। तो ये आपके हो गए टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी के। देन वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन इज डिफाइन लिंकेज। लिंकेज इज अ फिनोमिना ऑफ सर्टेन जीन्स टू स्टे टुगेदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस थ्रू जेनरेशन विदाउट एनी चेंजेज और सेपरेशन ड्यू टू देयर बीइंग प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। यह जो लिंकेज होता है वह कुछ जीन के जीनों के मौजूद एक ही क्रोमोसोम पर मौजूद रहने के कारण विदाउट एनी चेंजेज और सेपरेशन जो थ्रू जेनरेशन ड्यूरिंग इनहेरिटेंस एक ही साथ रहने की जो फिनोमिना है वही आपका क्या कहलाता है लिंकेज। तो ये आपका हो गया लिंकेज का डिफिनेशन। तो यह भी इजी है, शॉर्ट आंसर है, तो इसे आप लोग अच्छे से याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय म्यूटेशन। तो म्यूटेशन जो होता है आपका और म्यूटेशन अकर्स व्हेन और डीएनए जीन इज डैमेज और चेंज। जब आपका डीएनए जीन जो होता है डैमेज हो जाता है इन सच अ वे एज टू अल्टर टू जेनेटिक मैसेज कैरिड बाय डेट जीन, उस जीन के द्वारा। अ म्यूटेशन इज अ एजेंट ऑफ सब्सटेंस डेट कैन बी ब्रिंग अबाउट अ परमानेंट अल्टरेशन टू द फिजिकल कंपोजिशन ऑफ अ डीएनए जीन सच डेट द जेनेटिक मैसेज इज चेंज। जो आपका जेनेटिक मैसेज होता है वह क्या होता है चेंज हो जाता है। तो ये यह आपका हो गया म्यूटेशन का डिफिनेशन। तो इससे आप लोग एक बार और से अच्छे से अपने से रीड कर लेना, इसे समझ लेना। नेक्स्ट है आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोफर्टिलाइजर। बायोफर्टिलाइजर्स कंसिस्ट ऑफ माइक्रोब्स एंड लिविंग बैक्टीरिया दैट प्रमोट द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। जो प्लांट के ग्रोथ होते हैं उसके लिए दीज माइक्रोब्स सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन टू प्रोड्यूस द कंपोनेंट्स एसेंशियल फॉर द प्लांट्स ग्रोथ। किसके लिए? प्लांट ग्रोथ के लिए। तो यह आपका जो डिफिनीशन है वह हो गया आपका बायो फर्टिलाइजर। तो ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप लोगों को याद करके ही जाना है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 12th नंबर इज व्हाट डू यू मीन बाय मेंडेलियन डिसऑर्डर एक्सप्लेन इन ब्रीफ विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जांपल। तो इसमें मेंडेलियन डिसऑर्डर का बताना है। तो जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होता है आर अ ग्रुप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स। यह किसके ग्रुप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स के होता है विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय अल्टरेशन, जिसे हम म्यूटेशन भी बोलते हैं, इन वन जीन में, मीन्स किस में? एक जीन में। तो इसके आपके एग्जांपल्स हो जाएंगे क्या क्या? सिकल सेल एनीमिया एंड फिनाइल केटोनूरिया आर एग्जांपल ऑफ किसके? मेंडेलियन डिसऑर्डर के। तो ये 2 एग्जांपल्स ये हो जाएंगे। तो ये आपके हो गया क्या? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। तो इससे अच्छे से समझ लेना। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोमैग्निफिकेशन। तो जो बायोमैग्निफिकेशन होता है उसका डिफिनीशन होता है द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स। किसके? हार्मफुल केमिकल के कंसंट्रेशन में इंक्रीज होना इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसमें? किसके? लिविंग ऑर्गेनिज्म के। एट ईच ट्रॉफिक लेवल, जो होता है ट्रॉफिक लेवल ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड बायो मैग्निफिकेशन। इसे ही बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। इसको और नाम से जानते हैं, इसको ऑल्सो नोन एज आपका बायो एम्प्लीफिकेशन एंड और भी एक नाम है आपका बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इसके दो अदर नेम से इसको जानते हैं। तो ये हो गया आपका बायो मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है? तो जेनेटिक ड्रिफ्ट डिस्क्राइब्स रैंडम फ्लक्चुएशन इन द नंबर ऑफ जीन्स वेरिएंट्स। क्या? नंबर ऑफ जीन वेरिएंट्स इन अ पॉपुलेशन। किसमें? पॉपुलेशन में। अ जेनेटिक ड्रिफ्ट टेक्स प्लेस व्हेन द एक्यूरेंस ऑफ वेरिएंट फॉर्म्स ऑफ अ जीन। किसके? जीन के। कॉल्ड एलीलस इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज बाय चेंज ओवर टाइम, चांस ओवर टाइम। तो यह होता है आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन, हाउ इज स्मोक फॉर्म। तो यह भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ इज स्मोक फॉर्म। तो वो जो होता है, फोटोकेमिकल स्मोक इज प्रोड्यूस व्हेन सनलाइट रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड एटलीस्ट वन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द एटमॉस्फेयर। जो आपके एटमॉस्फेयर में सनलाइट रिएक्ट करता है जब नाइट्रोजन ऑक्साइड से एंड अदर एक आपका एटलीस्ट वन आपके वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड से, तो आपका क्या बनता है? फोटोकेमिकल स्मोक आपका फॉर्म होता है। व्हेन सनलाइट हिट्स दीज केमिकल्स दे फॉर्म एयरबोर्न पार्टिकल एंड ग्राउंड लेवल ओजोन्स और स्मोक। ओजोन कैन हेल्पफुल और हेल्पफुल। ये आपके लिए हेल्पफुल भी हेल्प भी करता है आपका ओजोन, और नुकसान भी करता है स्मोक। आई होप कि यह अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन फार्मिंग। तो ये ग्रीन फार्मिंग पूछा है। तो यह जो होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसी को बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग या ग्रीन फार्मिंग। कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चर। यह जो सिस्टम होता है, एक जो ग्रीन फार्मिंग है वह सिस्टम होता है किसका? मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चरल का। प्रोडक्शन डेट कंबाइंस और हाई लेवल, यह जो है कंबाइन करता है हाई लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी विद किसके साथ? इन्वायरमेंटल प्रैक्टिसेस के साथ। डेट प्रिजर्व नेचुरल रिसोर्सेज एंड हैज रिगोर्स स्टैंडर्ड फॉर एनिमल वेलफेयर। यह जो होता है आपके एनिमल वेलफेयर के लिए होता है, आपके रिगोर्सेज स्टैंडर्ड्स। तो ये आपका हो गया ग्रीन फार्मिंग। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। आई होप कि एंड हो गया। हाँ, यह था आपके लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस और आंसर अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके बताइए, हम उसका रिप्लाई ज़रूर से देंगे। और यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी नीचे कमेंट करके वो भी बताइए, और नेक्स्ट वीडियो आप लोग किस टॉपिक पर चाहते हैं वो हमें कमेंट करके भी बताइए। एंड जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर इससे आप लोगों की हेल्प हुई हो तो उन्हें भी डेफिनेटली हेल्प होगी। तो इसे शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। तब तक पढ़ते रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, नेक्स्ट पेपर अच्छे से लिख करके आइए। इसके लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।